हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्लॉग चित्रायन में आपका फिर से एक वीडियो में स्वागत है। आज हम आए हैं पंडरिया, जो कवर्धा से करीबन 35 किलोमीटर आगे है, और यहां आए हैं सती ऑटो डील करके, जहां सेकंड हैंड बाइक स्कूटी जो भी होगा मैं आपको दिखाने वाला हूं। यहां भैया के थ्रू पूरा डिटेल्स लेंगे, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा आईडी नंबर है चित्रांश 1 2 3 4 5। तो चलो पूरा डिटेल्स लेते हैं और एंड तक देखना वीडियो, क्योंकि बहुत सारी गाड़ियां हैं तो पूरा एंड तक दिखाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। आइए भैया, आपका नाम क्या है? जयेश केसरवानी। जयेश केसरवानी। ये शॉप कब से? ये शॉप अभी 5 साल हुआ है अपने को खुले हुए। 5 साल हुआ है। और यहाँ सेकंड हैंड में स्टॉक कब तक आता है? सेकंड हैंड में स्टॉक हमेशा अवेलेबल रहता है। जितनी गाड़ियाँ हमारे पास हमेशा अपने पास 80-90 गाड़ियाँ होती है, 40-50 गाड़ी जो अपन काउंटर में रखते हैं, और बाकी गाड़ियाँ जो है अपनी गोडाउन में रहती है। और यहाँ फाइनेंस सुविधा है? फाइनेंस फैसिलिटी हमारे यहाँ नहीं है। अच्छा। बाकी जैसे थोड़ा बहुत पैसा जिनका बचता है, 2-4-5 हज़ार व्यवस्था उधारी जिसको बोलते हैं वो देते हैं। EMI बाहर से फाइनेंस कराना चाहे तो हो जाए? हाँ, लेकिन उनको फाइनेंसर खुद लाना पड़ेगा। हमारे यहाँ भी इसकी सुविधा नहीं है। बड़े जो शहर है रायपुर बिलासपुर, यहाँ 2-व्हीलर में एक बार हो जाता है, हमारे यहाँ नहीं है। लेकिन अच्छा, अभी कौन कौन से गाड़ी दिखाने वाले हैं? अभी हमारे यहाँ जैसे कि जो सबसे ज्यादा कॉमन गाड़ी है, जो मिडिल क्लास फैमिली है, जो इंडियन लोग चलाते हैं, उसमें आपका सुपर स्प्लेंडर प्लस हो गया, HF डीलक्स हो गया, ये सबसे ज्यादा सेल में रहती है। उसके बाद बजाज की प्लेटिना है, सिटी 100 हो गई, एक्टिवा है, और होंडा की एक्टिवा स्कूटर में हो गया, माइस्ट्रो हो गया हीरो का। किसी को अदर स्टेट से लेना है तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना? कोई दिक्कत नहीं है उनके लिए। आएंगे और बस उनको कैश में गाड़ी मिले, उनको लोकल गारंटर लाना पड़ेगा। अच्छा, लोकल गारंटर, फिर उनके नाम में RC ट्रांसफर की जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं फिलहाल तो यहाँ से। ये कौन सी मॉडल है? ये एक्टिवा 2019, एक्टिवा 125 है, 2019 की मॉडल है। और इसका प्राइस क्या रखें? प्राइस इसका रहेगा आपका 55,000 की है। 55,000 19 का मॉडल बताया? 19 की मॉडल है। पासिंग कहाँ का होगा? पासिंग ये है CG28 मुंगेली की। CG28 मुंगेली। रनिंग कितना हुआ होगा? रनिंग इसका 8,000 करीब। 8,000। इंश्योरेंस वगैरह है? इसमें इंश्योरेंस वैलिड है। 5 साल का अपना बेसिक जो TP आता है वो है। हाँ। और 1 साल का जो ऑन डैमेज है वो खत्म हो गया। 55,000 बचा है, उसमें नाम ट्रांसफर सब एक साथ है कि अलग से? नहीं, अभी जो मैं बता रहा हूँ वो सिर्फ बाइक का रेट है, वो भी प्राइस जो है नेगोशिएबल है। अच्छा, नेगोशिएबल है। ऑन काउंटर जितने टाइम कस्टमर बात करते हैं तो उसमें कुछ ऊपर नीचे हो जाते हैं। और ये एक्टिवा? ये एक्टिवा 2015 मॉडल है। इसका रेट आएगा आपका 33,000। 33। हाँ। और इसका पासिंग कहाँ का? पासिंग इसका आएगा CG10 बिलासपुर पासिंग है। और इस रनिंग कितना हुआ होगा? रनिंग इसका 20,000 करीब किलोमीटर है। उसके बाद है ये प्लेजर है? नहीं, प्लेजर एक्टिवा ही है। एक्टिवा ही है, 2017 मॉडल है। इसका प्राइस है 35,000। पासिंग और रनिंग? पासिंग ये CG09 पासिंग है, अपने कवर्धा जिले का है। और रनिंग इसका वही 30,000 किलोमीटर। इसके आगे देखते हैं, ये आगे बजाज की CT100 है, किक स्टार्ट है, 110 अभी की नई मॉडल है, BS4 ही है। और इसका रनिंग वही 8,000-9,000 किलोमीटर है। ये इसका प्राइस आएगा 42,000। इसके बाद सेम वही है कि प्लेटिना है? ये बजाज की प्लेटिना है, 2016 मॉडल। इसका रेट आएगा 40,000। और CG09 पासिंग है, कवर्धा जिले की गाड़ी है। और 40,000 इसकी रनिंग है। 40,000 प्राइस क्या बता इसका? ये 40,000। इसके बाद देखते हैं डीलक्स, जो बहुत डिमांड में रहता है अभी। इसमें डीलक्स जैसे कि ये लाइन से करीबन 5 डीलक्स है, ये कौन कौन सी मॉडल? ये जैसे क्या आएगा, 2011 मॉडल आएगा डीलक्स इसका। इसका प्राइस 30,000 रुपए है ना। उसके बाद पासिंग बिलासपुर आएगा। रनिंग? रनिंग इसका आएगा लगभग कितना पड़ेगा? 40,000 रनिंग है। 40,000 रनिंग है। उसके बाद ये? उसका दिया आएगा HF डीलक्स, CD डीलक्स है, पुरानी जो मॉडल आती थी। ये CG09 पासिंग है, 11 मॉडल है। इसका रेट है 33,000। इसके बाद? और ये गाड़ी है 2012 मॉडल। और HF डीलक्स किक स्टार्ट है, ये 35,000 की है। 35,000। और ये डीलक्स? ये डीलक्स है 2019 मॉडल, 52,000 की है। मैक्सिमम उतनी रेट में है। हाँ, लगभग। इसके बाद ये देखते हैं हीरो स्प्लेंडर का।
स्प्लेंडर ये 2014 की मॉडल है, इसका रेट है 42,000। इसका रनिंग कितना हुआ? रनिंग इसका वही होगा 40,000 किलोमीटर। 40,000। पासिंग? पासिंग 09 है। 09। ज्यादातर गाड़ियां हमारे यहाँ जो रहती है 09 पासिंग है, जिले के नाम से। और आसपास जो जिले टच होते हैं जैसे कि अपना मुंगेली हो गया, बेमेतरा हो गया, बिलासपुर हो गया, ये तीन या चार जिले। इसके बाद और देखते हैं, इसके बाद वो TVS। ये TVS स्पोर्ट है अपनी, आएगी 2017 मॉडल की है। 2017 मॉडल। और ये वाला जो ब्लैक कलर वो भी 17 मॉडल है। अच्छा, दोनों का रेट सेम है 35,000। और रनिंग कितना हुआ है दोनों का? रनिंग वही लगभग अप्रोक्स 25,000 किलोमीटर। 25,000। पासिंग भी यही का है? पासिंग 09 आएगा दोनों का। इसके बाद ये स्प्लेंडर है। स्प्लेंडर NXG है, ये पुरानी मॉडल है। जैसे बहुत सारे अपने बंदे आते हैं जिनको काम चलाने के लिए गाड़ियाँ चाहिए होती है कम बजट वाली, तो उसमें ये 25,000 के है। उसमें भी प्राइस नेगोशिएबल है। हमारे यहाँ गाड़िया का स्टार्टिंग रेंज 15,000 से चालू होकर 70-80 जितना आप आगे तक ले लें। इसके बाद ये पैशन प्रो, ये पैशन प्रो 2016 मॉडल है और इसका प्राइस है 42,000। 2016। हाँ हाँ, यहाँ कस्टमर आएंगे, गाड़ी देखेंगे, चलाएंगे, पूरा पूरा अपना संतुष्टि जब हो जाएंगे तो ऑन टेबल जितना भी बनेगा अपन करते हैं। अच्छा, और सारी गाड़ियों का प्राइस नेगोशिएबल है। इसके बाद ये स्प्लेंडर, ये स्प्लेंडर आई स्मार्ट है 2017 मॉडल। इसका रेट आएगा 40,000 रुपए। 40,000। रनिंग कितना हुआ होगा? रनिंग इसका है आपका 30,000 के करीब। 30,000। इसके बाद पीछे और गाड़ियां हैं वो देखते हैं। ये जैसे कि ये साइन, ये साइन है 2016 मॉडल की है। इसका रनिंग आप देख सकते हैं कि 20,000 रुपीज इसकी, 20,000 इसकी रनिंग है। और मॉडल 2016 आपको बताया। ये गाड़ी CG25 मॉडल, तो बेमेतरा पासिंग है। इसकी प्राइस रेंज आएगी 49,000 रुपीज। 49,000। उसके बाद ये साइन, उसके बाद ये साइन है 2020 मॉडल है, अभी के एकदम लेटेस्ट गाड़ी है, पिछले साल की। और ये गाड़ी चली कम है, खड़ी ज्यादा है। अच्छा, तो अभी क्या है, लॉकडाउन वजह के नाम से ये इंश्योरेंस कंपनी से, फाइनेंस कंपनी से आई हुई गाड़ियां हैं, कम चली है। और इसमें आपको इंश्योरेंस भी मिल जाएगा आपको 5 साल का। और प्राइस क्या है इसका? प्राइस इसका आएगा 68,000 रुपीज। 68,000। नहीं, ये वाला 0CG28 आएगा, मुंगेली पासिंग। ये वाली जो है 2016 वाली, ये बेमेतरा पासिंग। उसके बाद ये आएगा होंडा सिटी 110, ये भी आएगा आपका CG28 पासिंग, मुंगेली जिले की गाड़ी है। और ये आएगा, ये पड़ेगा आपको 59,000 रुपीज, 2020 मॉडल। और उसके सामने जो सुपर स्प्लेंडर खड़ी हुई है, ये आएगी 2019 मॉडल की। इसका प्राइस रेंज आएगा 50,000 के रेंज में। 50,000 के रेंज। उसमें भी आपको 5 साल का बीमा मिलेगा। अच्छा, मतलब बेनिफिट है। हाँ, बेनिफिट है। अगर आप 2018 के बाद की कोई भी गाड़ियाँ लेते हैं उसमें 5 साल का बीमा है। अच्छा। और बाकी जैसे कि लेने के बाद जो बातचीत रहेगी उस हिसाब से हम गाड़ी का बीमा भी करा देते हैं। और ये गाड़ी है CT100 2019 मॉडल। हाँ। ये सेल पे स्टार्ट है, ये आएगी आपकी 43,000 के रेंज में, 2019 मॉडल। इसमें भी 5 साल का बीमा आपको मिलेगा। उसके बाजू में जो स्प्लेंडर खड़ी हुई है 2018 मॉडल है, इसका रेट आएगा आपका 50,000 रुपए का। 50,000। दोनों पासिंग कहाँ है? पासिंग दोनों 09 है, उसमें कम। चलो आइए आगे और गाड़ी। ये वाला आएगा बजाज का प्लेटिना 2019 मॉडल है, ठीक है। ये भी गाड़ी 2019 मॉडल बजाज प्लेटिना है और सेल भी स्टार्ट है, 5 साल का बीमा, इंश्योरेंस सब वैलिड है इसका। और दोनों का आस्किंग प्राइस है 55,000 रुपीज। 55। और पासिंग दोनों का? पासिंग 09 आएगा दोनों। रनिंग कितना हुआ? रनिंग इसका वही लगभग 12,000-13,000 किलोमीटर, से ज्यादा नहीं चली हुई। अच्छा, और आपके पास स्पोर्ट बाइक भी रहते हैं? हाँ, स्पोर्ट बाइक में हमारे पास कम रेंज है, मतलब डिमांड यहाँ कम है इस नाम से। कुछ पल्सर वल्सर बहुत एक आख ही गाड़ियाँ बिकती है यहाँ रूरल एरिया के नाम से इधर। बाकी जो मैक्सिमम कम बजट में, हाँ, रनिंग लंबा हो ऐसा, ऐसी गाड़ियाँ ज्यादा लेते हैं इधर। इसके बाद ये क्या है? ये है, हाँ, होंडा की स्टनर है, 2013 मॉडल आएगी। इसकी प्राइस रेंज 25,000 रुपए है। और ये 2012 मॉडल पल्सर है, ये भी 25,000 रुपए के रेंज में। और ये अगर 2015 मॉडल पल्सर है, ये 45,000 की रेंज में, 15-16 की मॉडल है। इसकी रनिंग वही 30,000-40,000 किलोमीटर होगी। ये अचीवर है, हीरो की अचीवर 150। ये आएगी आपको 45,000 के रेंज में, 2018 मॉडल। 2018 मॉडल। पासिंग तो मैक्सिमम यही रहेगा। पासिंग तो अपने पास 09 ही है, कवर्धा जिले की।
और है गाड़ियां भी आपके और अभी पास? अंदर में और खड़ी, चलो आइए अंदर देखते हैं। दो गाड़ियां अभी HF डिलक्स और है बाहर जो खड़ी हुई थी, ये गाड़ियां कल ही आई हुई है। ये हाँ हमारा वर्कशॉप है, आप दिखा सकते हैं, अच्छा, ये यहाँ जो वर्कशॉप है। भी गाड़ियां आती है पहले यहाँ रेडी होती हैं, हाँ उसके बाद ही अपन बेचते हैं। कोई भी गाड़ी में कोई भी प्रकार का दिक्कत होता है उसको तुरंत सॉल्व किया अच्छा, जाता है, तुरंत सॉल्व। और बेचने के बाद भी ऐसे नहीं है कि बेचो और भूल जाओ। हाँ गाड़ी बेचने के बाद जैसे कस्टमर को कोई दिक्कत आती है वो सब भी हम सॉल्व करके अच्छा देते हैं, अच्छा वो सर्विस हमारे यहाँ फ्री रहती है। सर्विस फ्री और है। जैसे कि अपन बाहर शोरूम वगैरह से जैसे गाड़ी लेते हैं जो नए का काम करते हाँ हैं, तो वो क्या है बेच के अपना पैसा बना के भूल जाते हैं ग्राहक को, हाँ हाँ सर, सर्विस नहीं देते हैं। और हमारे यहाँ ऐसा है कि बाइक आप ले लिए तो आपका मतलब हमारा आपके रिश्ता साइड से जुड़ गया। सर्विस का हाँ प्रोवाइड फ्री सर्विस है। सर्विस हमारे यहाँ पूरी है। एक तो हम कुछ काम बचाते नहीं है, अगर मान लो ग्राहक को कुछ और लगता है तो हाँ उसको अपन करके देते हैं। ऐसा है, ये अच्छा दो गाड़ियाँ आई हैं कल ही आई हुई हैं, 2019 मॉडल दोनों हैं। अच्छा ये आपको 56 56,000 के रेंज में आएगी 56 दोनों गाड़ियाँ। दोनों पासिंग क्या? दोनों गाड़ी का पासिंग जो CG28 है, अच्छा, अट्ठाईस मुंगेली जिले की गाड़ियां हैं दोनों, मुंगेली, और रनिंग इसका 20 20 हज़ार किलोमीटर आप बीस मान बीस लो, हजार रन। इसके 20 20। बाद ये मैक्सिमम और इधर। ये सब गाड़ियां अभी बनने की भी खड़ी हुई हैं, एक ही अपने माइस्ट्रो है हाँ अच्छा, 2018 मॉडल का, ये 40 हज़ार के रेंज में आएगा, है 40 हजार। ना। इसका रनिंग आएगा वही लाख आपका 15 हज़ार किलोमीटर करीब। हाँ ये TVS स्पोर्ट है 2016 मॉडल, अच्छा, इसका रेंज आएगा आपको 30,000 रुपीज़ में, 30,000। सेल्फ स्टार्ट है बाकी गाड़ी। मैक्सिमम उसी रेट में इधर की गाड़ियां है ना। हाँ ये सभी गाड़ियां अभी तैयार नहीं हुई इसलिए पीछे खड़ी हुई हाँ, है। और कुछ बोलना चाहेंगे आप सब्सक्राइबर्स को? और सब्सक्राइबर को मैं बोलना चाहूंगा कि भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्या है, बहुत लोग को गाड़ियां जैसे लेनी होती है, अभी क्या है गाड़ियों का रेट बढ़ा हुआ है हाँ मेटल्स के सही। नाम से, इस नाम से गाड़ी सब लोग सेकेंड हैंड ही ज्यादा प्रीफर कर रहे हैं। और हाँ अभी जो BX6 मॉडल की गाड़ियां हैं थोड़ा पब्लिक उससे सही बोल पब्लिक उसको ढंग से समझ नहीं पा रहा है, तो इस नाम से रहे। BS4 और जो पुरानी गाड़ियां हैं उसको, और कम बजट की गाड़ियां जैसे रहती हैं तो इसमें क्या है कस्टमर का पैसा भी बचता है और अच्छी गाड़ियां भी मिल जाती हैं। तो और बहुत लोगों को पता नहीं होता है कि पुरानी गाड़ियां मिलती कहाँ है, तो इसके लिए हाँ आपका जो भाई का चैनल है ब्लॉग से चित्रांश करके, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो देखिए और शेयर कीजिए जरूर, जितने भी लोगों को आपको शेयर करना है। जैसा कि भैया ने कहा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, क्योंकि आप ही से करीब रहता है कोई भी, वो मुंगेली के हो गए या फिर इधर कवर्धा, बहुत जगह शॉप सेकंड हैंड गाड़ियों का जरूरत रहता है। किसी को पता भी नहीं है अभी तक कि यहाँ पंडरिया में भी शॉप है सेकंड हैंड। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किए होंगे चैनल को, क्योंकि 90% लोग हमारे चैनल को देखते हैं, मतलब वीडियो को। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, तो इसी तरह और आगे वीडियो दिखाते रहेंगे। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।